जब 3000 करोड़ का स्टैचू ये गुजरात में लगा सकती है, हजारों करोड़ के रामालय बना सकती है, कितनी बड़ी बड़ी योजना, कितने बड़े बड़े स्टैचू बन रहे हैं, शंकराचार्य का स्टैचू बन रहा है, हनुमान जी का स्टैचू बन रहा है, क्या ये शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देंगे पूरी आबादी को, 135 करोड़ आबादी को? देश का पैसा स्टैचू में लगा रहे हैं, क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था? क्या अंग्रेजों से, मुगलों से या जो भी विदेशी आक्रांत आए थे उनसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने? इतना देश का अरबों खरबों जो पैसा है वो क्यों खर्च किया जा रहा है ताकि आप लोगों को बर्बाद किया जा सके? आप ही वहाँ जाएंगे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, आप ही मन्नत मांगने के लिए, और आपकी कठिन मेहनत की जो कमाई है उसको अपनी दुकानें लगाकर उसको खर्च करेंगे। के नाम से या मुख्य धारा के नाम से जो बने हुए उनको भी सोचना होगा कि जब भारत में सरकार ने कोलम कोड सबको दे रखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध को, तो आदिवासियों को क्यों नहीं दे रखा, जबकि ये मूल संतानें हैं। और इसके सबसे बड़े सबूत है कि हमारे पुरखे हजारों सालों से यहाँ रहे। अरावली पर्वतमाला में जो शैल चित्र है, भीमबेटका में जो गुफा शैल चित्र है, चाहे बस्तर में चले जाइए या कांकेर में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, हमारे पुरखों के जो शैल चित्र है वहाँ इन मनुवादियों के देवी देवताओं के कोई अंश नहीं मिलते। लेकिन अब ये साजिश शुरू कर चुके हैं वहाँ पर उनको मिटाकर अपने भगवाकरण करने की। वो वहाँ राम की कथाएं ढूंढेंगे, वो वहाँ शबरी को बैठाएंगे या हनुमान को बैठाएंगे, लेकिन आपको चौकस और चौकस रहना होगा। और उन सबको बचाते हुए अपने वजूद को बचाने के लिए ट्राइबल कोलम कोर के लिए एकजुट होकर एक आह्वान के साथ हमें जनगणना कोलम कोर की मांग को लागू करवाना होगा। जब ये सरकार इतने लोग मर रहे हैं मौत से, इतनी भयावह बीमारी आ रही है और आजादी का अमृत महोत्सव बना रही है, तो क्या ये इस लायक भी नहीं है कि आदिवासियों को उनकी पहचान के लिए ट्राइबल कोलम कोर नहीं दे सकती? क्या दे सकती है ना? इसलिए सचेत हो जाइए और ट्राइबल कोलम कोर की मांग को लागू करवाइए, क्योंकि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, आदिवासी इस धरती का मूल मालिक है। ये मैं नहीं कह रही, जस्टिस कार्जू ने 5 जनवरी 2011 को कहा था अपने जजमेंट में, नंदाबाई भी एंड बनाम मामले में उन्होंने बताया था। नंदाबाई एक विधवा स्त्री थी और जिन्होंने विधवा होने के बाद किसी ने उनकी संपत्ति को हथिया लिया था, तब जस्टिस कार्जू ने स्टेटमेंट दिया था कि इस देश में रहने वाले 8% लोग, सिर्फ 8% लोग इस देश के मूल मालिक या आदिवासी है, बाकी 92% लोग बाहरी है, घुसपैठिए है या आक्रमणकारी है। तो हम वो 8% लोग हैं जो इस देश की धरती जल जंगल जमीन के लिए हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किए, बहुत बलिदान दिए। तो उन सबको याद करते हुए हमें अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना कोलम कोड या जनगणना कोलम लागू करवाना होगा, ताकि हम सबकी जनगणना उसमें की जा सके और आदिवासियों की जो पूरी जनसंख्या है वो उसमें काउंट हो और हमारी पहचान अमिट पहचान बने, ना वो हिंदू बने, ना मुस्लिम बने, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, वो आदिवासी ही रहे जैसे हमारे पुरखे रहे थे। उसी इतना ही कहकर मैं आप सभी से बहुत आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपनी माताओं, बहनों, बच्चों सबको जागृत कीजिए। आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आपके ये दो हाथ पांव आपको बचाएंगे। आप कहीं डूबेंगे तो कोई देवी देवता नहीं है, दोनों हाथ पांव बचाएंगे। कोई जानवर आएगा तो उससे भी, कोई भेड़िया आएगा उससे भी, और कोई इंसान लड़ने आएगा तो उससे भी, बाकी और कोई नहीं बचा। हमारे पुरखों ने भी इसी तरीके से संघर्ष किए थे तभी वो बच पाए थे। रानी गायदुल्य जो नागालैंड की रानी थी, वो 17-18 साल की ऐसी महारानी बनी वो कि उन्होंने अंग्रेजों को नाक और चने चबा दिए थे, लेकिन ये मुख्यधारा नहीं बताएगी। हमारी वीर कालीबाई 12 साल की बालिका जिन्होंने ब्रिटिश रावल, मतलब ब्रिटिश सरकार और यहाँ के जो कारिंदे रावल थे उनके सामने वो खड़ी हो गई थी अपने अध्यापक को बचाने के लिए और अपने सीने पर गोली खाई, लेकिन अपने अध्यापक को बचा लिया था उसने। ऐसी कहानियां वो नहीं बताएंगे आपको। और जो रानी दुर्गावती जिन्होंने 15 साल शासन किया विधवा होने के बाद,
एक आदिवासी रानी जिसका पति 5 साल बाद ही मर जाता है, छोटा सा बच्चा उसी गोद में रहता है, कहा तो समाज या महिलाएं खुद उस दुख से कभी जिंदगी में उभर नहीं पाती, लेकिन वो आदिवासी महिला ने 15 साल शासन किया। किसके सामने? अकबर के सामने, पांच बहादुर के सामने, उन सबके मतलब नाकों चने चबा दिए थे। उसे एक अकेली महिला ने, वो दौर था जब सब तरफ से आक्रमण हो रहे थे, लेकिन आज हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे पास मीडिया है, हमारे पास सूचना है, और अब जो भाषा की हमारी जो बाधाएं थी, हमारी सबकी आदिवासियों की अलग अलग भाषा है, लेकिन अब हम माध्यम चुन चुके हैं हिंदी भाषा को, तो हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो हमें एकजुट हो जाना होगा और पूरे देश के आदिवासियों को मिलकर एकजुटता से आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, वो ऐसे लोगों को अब एसटी कैटेगरी में डाल रही है जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जो आरएसएस के लोग हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा नया संशोधन किया गया है और काफी लोग झारखंड से या यूपी से और त्रिपुरा से डाले गए हैं, तो मैंने सुनने में आया कई लोग मतलब वो एसटी कैटेगरी में आने वाले नहीं थे लेकिन उनको डाला गया, तो ऐसे लोगों को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और कल योगी सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि यूपी में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जब यूपी में लागू हो जाएगी तो पूरे भारत में भी ये लागू हो जाएगी, और समान नागरिक संहिता के दायरे में अगर आप आ गए तो आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो परंपरा है, आपकी जो रूढ़ियां हैं, आपका जो ऐतिहासिक स्थल है, वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे और सबको वो हिंदू राष्ट्र की थीम में ले जाएंगे, क्योंकि इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग आपकी पहचान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की ओर धकेलेंगे, लेकिन आपको अपनी समझदारी से अपनी पहचान को कायम रखना होगा कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश आदिवासी राष्ट्र था, आदिवासी राष्ट्र है और आदिवासी राष्ट्र रहेगा। ये मैं नहीं कह रही, वो शैल चित्र कह रहे हैं जो हर पहाड़ी पे, हर गुफा पे और हर पुरातत्व स्थल पर बने हुए हैं। हमारे पुरखों के महल है, किले है, बावड़िया है, तालाब है, हमारे पुरखे हमारी तरह जन्म लेने वाले, अपने माता पिता से जन्म लेने वाले लोग थे, वो काल्पनिक दुनिया से पैदा होने वाले या सेब से या खीर से या मतलब बलात्कारी साधुओं से पैदा होने वाली संतानें नहीं थी, उन्होंने खुद ने बनाए हैं। तो सोचिए काल्पनिक लोग उन्होंने क्या बनाया, वो आपके चंदे से बन रहे हैं, आपसे घर घर आके चंदा लिया गया, कंपल्सरी लिया गया, एक बाने, दो बाने, तीन बाने, बार बार, और फिर भी वो चंदा घटता जा रहा है उनका। तो इसलिए आप अपने पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार और समाज के लिए कीजिए, किसी और अनावश्यक कार्य के लिए मत कीजिए। और समय बहुत कम है, काफी दूर दूर से लोग आए हैं और जब मैं बोलती हूँ तो पता नहीं रहता समय का, तो मैं क्षमा चाहती हूँ और इतना ही कहकर आप सभी से एक बार फिर कर